आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी के हार के बाद मायावती ने किया ट्वीट। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जीत दर्ज की है। 3,12,768 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 3,40,089 वोट पाया है। वहीं आपको बता दें कि तीसरे स्थान पे बहुजन समाज पार्टी है, जहां पे 2,66,210 वोट गुड्डू जमाली ने पाया है। आपको बता दें उसके बाद मायावती ने किया है ट्वीट। मायावती ने क्या ट्वीट किया है आप सुनिए। उपचुनाव को रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है, फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी भाजपा व सपा के हथकंडों के बावजूद जो काटे की टक्कर दी वह सराहनीय है। मायावती ने आगे कहा कि पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों को व कार्यकर्ताओं को अधिकतर मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि केवल बीएसपी में ही यह भाजपा को हराने की सैद्धांतिक व जमीनी शक्ति है, मायावती ने कहा। और दूसरी तरफ वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में काबिलियत नहीं है कि भाजपा को हरा पाए। आगे मायावती ने कहा कि यह बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने अपने प्रत्याशी के हार के बाद ट्वीट करके यह ऐलान किया है।